नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट एलर्जी और स्लीप प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं, चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्लीप एपनिया के बच्चों पे काफी नुकसानदायक असर होते हैं। इसका डायग्नोसिस इंडिया में ज्यादातर डिलेड रहता है, देरी से होता है और ज्यादातर लोगों के इसके बारे में जानकारी नहीं होती। रिसेंटली ये देखा गया है कि जिन बच्चों को स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है उनको कुछ सिम्टम्स लक्षण दिन में भी हो सकते हैं। हम ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्लीप एपनिया के लक्षण सिम्टम सिर्फ रात में होते हैं, जैसे कि गर्राटे आना, स्नोरिंग होना, सांस में झटके लेना, उल्टा होके सोना, अबनॉर्मल पॉस्चर्स में सोना। रीसेंट रिसर्च से और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम अब ये देखते हैं कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको दिन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब बच्चा रात को 7-8-9 घंटे सोता है तो उसकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसको हम रेस्टोरेटिव स्लीप कहते हैं। यदि बच्चे को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो बच्चे का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा रात को सैकड़ों बार ब्रेन के लेवल पे उठता है और फिर सोता है, तो स्लीप की क्वालिटी खराब होती है और इस वजह से बच्चों की नींद पूरी नहीं होती और उनको डे टाइम सिम्टम्स हो जाते हैं। स्लीप एपनिया के क्या डे टाइम में लक्षण होते हैं? काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है और दिन में वो नींद में रहते हैं, स्लीपी रहते हैं। जब वो स्कूल में अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं उनको नींद आने लगती है। ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल से घर जाते हैं और बस में सो जाते हैं। सो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस या एक्सेसिव नींद में रहना दिन में रात को अच्छे से सोने के बाद भी स्लीप एपनिया का एक कॉमन लक्षण है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाए हैं और दिन में नींद से जगे रहने के लिए वो इस तरह की का बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं और ADHD की प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं, उन सभी बच्चों को स्लीप एपनिया के लिए स्क्रीन करना अनिवार्य है। स्लीप एपनिया के कारण बच्चों को न्यूरोलॉजिकल या कॉग्निटिव सिम्टम्स बहुत कॉमन है। उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उनके ग्रेड्स फॉल होने लगते हैं, उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी, उनकी वर्बल फ्लुएंसी कम हो जाती है। ये कॉमन लक्षण है स्लीप एपनिया के, जो यूजुअली अगर ध्यान से ना देखा जाए तो मिस हो जाते हैं। काफी बच्चे हैं जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनको हार्ट के प्रेशर बढ़ जाते हैं, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, उनका वेट बढ़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट या वेट गेन नहीं होता है स्लीप एपनिया की वजह से। ये सारे ही स्लीप एपनिया के डे टाइम या दिन में होने वाले लक्षण हैं। स्लीप एपनिया के प्रॉपर डायग्नोसिस या निदान के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं? ये जानना जरूरी है कि स्लीप एपनिया के सिम्टम्स कई बार बहुत ही सटल होते हैं, वो नहीं पता चलते हैं और ऐसे में हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना होता है कि इस बच्चे को स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है। स्लीप एपनिया को कंफर्म करने के लिए स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी का टेस्ट किया जाता है। तो यदि आपके बच्चे को कोई भी ऐसा सिम्टम है दिन में या रात में जो ये सजेस्ट करता है कि बच्चे को स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है, तो आपको एक बच्चों के स्लीप स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए स्लीप एपनिया के प्रॉपर निदान के लिए और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। धन्यवाद।